हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन रेस्ट टू फोर एन प्लस थ्री प्लस सेकेंड टर्म क्या है आई एस टू 41 प्लस आई एस टू माइनस 257 होल रेस्ट टू 9 है, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। एन मतलब नेचुरल नंबर है, इधर ऑप्शन दिया है। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ हमको बेसिक चाहिए इधर। ओके, सो गिवन पार्ट क्या है फर्स्ट वो लिखेंगे। सो गिवन इज ए माइनस रूट माइनस वन रेस्ट टू फोर एन प्लस थ्री करके है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है आई रेस्ट टू 41 ओके इधर 41 प्लस आई रेस्ट टू माइनस है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय आई रेस्ट टू 257 होल रेस्ट टू 9 करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए क्या, इसको हम माइनस साइन को सब माइनस है ना, इसको क्या लिखे माइनस रूट माइनस वन इज ए आई करके है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये माइनस वन हो गया, रूट माइनस वन बिकम आई रेस्ट टू फोर एन प्लस थ्री प्लस आई रेस्ट टू 41 है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे 41 इंटू 4 इंटू 10 प्लस 1, ये हो गया 40 प्लस 1 दैट इज आई रेस्ट टू 41 प्लस 1 डिवाइड बाय आई रेस्ट टू 4 इंटू 64 कितना हो गया 256 होता है, प्लस बाद में इसको 1 करना पड़ेगा, 257 हो जाएगा, देन रेस्ट टू 9 करके है। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू, अब इसको माइनस साइन को भी सेपरेट करेंगे हम इधर। ओके, सो माइनस साइन का मतलब इंडिकेट है माइनस 1 है, इसलिए क्या माइनस के साइन के बदले में माइनस 1 करके लेंगे, पावर लिखेंगे 4n प्लस 3 इंटू बाद में आई है ना आई रेस्ट टू 4n प्लस 3, ये क्या है माइनस आई क्या होगा हो जाएगा माइनस वन इंटू आई, इस तरह आएगा। देखिए दैट इज माइनस आई, इस तरह हमने सपोर्ट किया माइनस वन एंड आई सपोर्ट किया, प्लस सेकेंड टर्म में देखिए सो आई रेस्ट टू 4n, यानी कि 10 है, ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाद में 1 रहेगा, सो सेकेंड टर्म में 1 ओके आई रेस्ट टू 40 इंटू आई रेस्ट टू 1 है। ठीक है, दैट इज मीनिंग प्लस 1 डिवाइड बाय आई रेस्ट टू 256 इंटू आई वन है दैट रेस्ट टू 9 करके है। ठीक है, नाउ अभी देखिए, अब इसको सेपरेट करेंगे इसको। ठीक है, नाउ आई रेस्ट माइनस वन ए सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे माइनस वन रेस्ट टू 4n करके लेंगे इंटू बाद में माइनस वन क्यूब लेंगे। ठीक है, सेपरेट करना है इंटू, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा आई रेस्ट टू 4n इंटू आई क्यूब हो गया प्लस देन ब्रैकेट में क्या है आई रेस्ट टू 40 दैट इज 1 हो जाएगा, आई रेस्ट टू 1 मतलब आई रहेगा प्लस 1 डिवाइड बाय आई रेस्ट टू 256 क्या है 1 हो जाएगा, सो आई रेस्ट टू 1 ब्रैकेट रेस्ट टू 9। ठीक है, नाउ अगर माइनस एन के जगह में आप 1, 2, 3, 4 ले लो, सो आई रेस्ट टू 4, आई रेस्ट टू 8, आई रेस्ट टू 12 इवन पावर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बाद में ये माइनस 1 क्यूब किया तो माइनस 1 रहेगा, पावर क्या है ऑड है इसलिए माइनस वन ही रहेगा, इसका क्या आएगा 1 आएगा आई रेस्ट टू 4n, जनरली क्या है आई रेस्ट टू 4n वैल्यू जो 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, आई क्यूब, आई क्यूब क्या है आई रेस्ट टू माइनस आई रहेगा। ठीक है, नाउ प्लस उसके बाद आई प्लस 1 बाय आई रेस्ट टू 9 करके है, 1 इंटू आई से आई हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस प्लस आई हो जाएगा दैट इज बिकम प्लस आई, बाद में प्लस आई सो 1 बाय आई का वैल्यू माइनस आई रहता है, सो माइनस आई हो जाएगा रेस्ट टू 9 दैट इज इक्वल टू आई प्लस ए 0 हो जाएगा, आंसर सिर्फ आई आएगा, सो आंसर आई मतलब इधर ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब किए तो आपको नई वीडियो का नोटिस मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।